सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में छोटी उ की मात्रा से बने वाक्यों को कैसे प्रयोग किया जाता है और उसे खाली स्थानों में कैसे भरकर लिखेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। यहाँ देखिए, छोटी उ की मात्रा, सही शब्द छांटकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और एक गलत। इन दोनों में एक सही है और एक गलत है। इन दोनों में से एक सही शब्द को छांटना है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों में भरना है, तब जाकर यह वाक्य पूरे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तुषार व सुरभि बाजार जाकर खाली स्थान खरीद लाए, तो इन दोनों में से उसने क्या खरीदा, गुड़िया खरीदा या खिलौना? तो चलिए यहाँ लिखते हैं गुड़िया। यहाँ गुड़िया में क्या करेंगे, टिक मार्क लगाएंगे। ख नंबर, गुड़िया का नाम खाली स्थान रखा गया, क्या रखा गया, चुलबुल रखा गया कि बुलबुल रखा गया? इनमें जो सही है उसे हम टिक मार्क लगाएंगे और उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बुलबुल। अब देखिए इसको पढ़ते हैं, गुड़िया का नाम बुलबुल रखा गया। ग नंबर, बुलबुल बहुत खाली स्थान थी, सजीली थी या फिर खराब थी, इन दोनों में से कौन सही है? तो सजीली में हम टिक लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे स जमे बड़े की मात्रा ली, सजीली। घ नंबर, गुड़िया की चुनरी खाली स्थान थी, सुनहरी थी या नीली थी? चलिए सही, सुनहरी में टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे सुनहली, सुनहरी, सुनहरी। अंगा नंबर, सुरभि बहुत खाली स्थान थी, दुखी थी या खुश? तो यहाँ टिक मार्क लगाएंगे खुश में और यहाँ क्या लिखेंगे, खुश। तो आपने देखा बच्चों किस प्रकार से छोटी उ की मात्रा से बने शब्दों को हमने इस वाक्यों में छांट छांट कर पूरा किया है। थैंक यू।